नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम रन वर्ल्ड अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। तो बात करने वाले TGT एग्जाम जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसकी आंसर की भी जारी कर दी गई है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के नंबर यहां अनुमानित स्कोर से कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जब उन्होंने मिलान किया अपनी आंसर की से। तो ऐसा काफ़ी बार देखा गया है, पिछली बार भी ऐसा होता है कि जब आंसर की आती है तो वहाँ पर जो भी अनुमानित स्कोर होता है उससे कुछ आगे पीछे होता हुआ देखने को मिलता है। तो आप अभी भी इस रेस से बाहर नहीं हुए। अगर आपको लगता है कि आपका जो अनुमानित स्कोर है, अगर आपका स्कोर उससे कम बैठ रहा है, तो अभी भी आपको एक चांस और दिया जाएगा। जी हाँ, अभी भी आपको बोनस अंक मिलने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका किसी प्रश्न पर यह प्रश्न आपका सही है, तो आप उस बुक किसी भी NCERT की बुक का या कोई मानक बुक का रेफरेंस देकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जिस पर आपको बोनस अंक दिया जाएगा। और ये भी नहीं है, अगर किसी भी अभ्यर्थी ने उस प्रश्न पर आपत्ति दर्ज किया है तो सभी अभ्यर्थियों को उस पर बोनस अंक मिलेगा। और ये सब डिसाइड किया जाता है जब आयोग की एक बैठक होती है, और उसमें काफ़ी सारे जो आप प्रूफ देंगे या जो भी आप अपनी मानकों बुक का रेफरेंस देंगे, उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि इन किन प्रश्नों पर बोनस अंक देने हैं। तो काफ़ी बोनस अंक पिछली बार देखने को मिले थे। अगर बात करते हैं तो पिछली बार किसी किसी विषय में 5-6 नंबर भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, और 2 से 3 तो किसी ना किसी विषय में आपको बढ़ते हुए सरलता से देखने को मिलेंगे। तो अभी भी आपके पास काफ़ी चांस हैं, आप निराश ना होइए और आप अपनी तैयारी करते रहिए। और जिन प्रश्नों पर आपको डाउट है, अपने फ्रेंड सर्कल में कोई एक भी उसमें आपत्ति दर्ज कर सकता है। और इस तरह से आप 10 से लेकर 13 तारीख तक अपने जो प्रश्न आपको लगते हैं कि जिसमें नंबर बढ़ सकते हैं, आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्हें आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काम का लगा हो, महत्वपूर्ण लगा होगा। ऐसी अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।